साढ़े तीन साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को हो गए और छह महीने के ऊपर उत्तर प्रदेश में हो गए। इन साढ़े तीन सालों में जनता की दुर्दशा हो गई। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा और गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है। सुरक्षा, कानून सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में एकदम योगी सरकार फेल है। हत्या बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, अपहरण बढ़ रही है, बैंकों में तक डकैती हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ध्यान न बेकारी समाप्त करने पर है, न गरीबी समाप्त करने पर है, न उनका ध्यान गैर बराबरी समाप्त करने पर है। सिर्फ उनका ध्यान यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से उनका ध्यान हटाने के लिए नित नए मुद्दे, जिनका जनहित से कोई मतलब नहीं है, उन मुद्दों को उठाती है और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें एकदम फेल है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेता भारत का प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है। दोनों इतनी लंबी लंबी बातें फेंकते हैं कि पूरी जनता जान गई है कि ये फेंकू दोनों है, किस तरीके की बातें फेंकते हैं जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, भारत की जीडीपी इतना गिर गई है, शायद भारत के इतिहास में इस तरीके की गिरावट कभी नहीं आई।